राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार नई दिल्ली के सहयोग से प्लीज हेल्प फाउंडेशन द्वारा दो दिवसीय विज्ञान मेले का समापन रविवार को सुबह 11 बजे हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी आफताब अहमद पूर्व परिवहन मंत्री ने शिरकत की। कार्यक्रम समापन में विजेता प्रतिभाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में विज्ञान का मुख्य योगदान है, बस हमें उसे समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में कई इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत हुई है जो आज वर्तमान में संचालित हैं। हरियाणा के बच्चों को अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आफताब अहमद ने कहा कि जिन बच्चों को पुरस्कार मिले हैं वो और आगे मेहनत करें ताकि उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सके। जिन बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला उनसे कहा गया कि आपको मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हारता वही है जो लड़ता है। आप प्रतिभागियों में प्रतिभागी करके यह उजागर कर दिया कि आप किसी से कम नहीं, बल्कि किसी ने आपसे थोड़ा अच्छा कर दिया, वह आगे निकल गया। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्रोफेसर वसीम अकरम ने कहा कि अब मेवात क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज स्थापित हैं। विज्ञान प्रदर्शनी मेले में IKM पब्लिक स्कूल के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नू ज़िले में हमारा पहला प्रोग्राम है और ये राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और प्लीज हेल्प फाउंडेशन नई दिल्ली, इनके सहयोग से IKM स्कूल में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इसका उद्देश्य ये है कि ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों या बड़े हों, वो विज्ञान के प्रति जागरूक हों, क्योंकि शिक्षा का तो महत्व ही है लेकिन विशेष महत्व आजकल विज्ञान का है। हम मोबाइल छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के और बड़ी से बड़ी चीज़ साइंस के बेस पे ही यूज़ करते हैं। आप एक मिसाल ले लीजिए मोबाइल की, मोबाइल भी एक साइंस है और आज हमारी ज़रूरत बन गया, यानी कि विज्ञान हमारी आवश्यकता है, इसलिए हम विज्ञान के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। नूह ज़िले में आपने कितने प्रोग्राम? एक ही प्रोग्राम किया है अभी, इसके अलावा हम देश में कई जगहों पर कर चुके हैं, जैसे नागालैंड हुआ, लेह लद्दाख हुआ, ये सारे इन जगहों पर प्लीज हेल्प फाउंडेशन अपने कार्यक्रम कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि एक प्रोग्राम से पूरे ज़िले के जनरेशन है जो बच्चे हैं वो कवर हो पाएंगे? ऐसा होता है, कार्यक्रम करने का मकसद ये होता है कवर करना, लेकिन मैं हम क्या होता है कि लोगों को जागरूक करते हैं, फिर वो लोगों को एक टीम बनाना। हम अकेले, कोई भी आदमी अकेला एक काम को कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक उसके पास टीम नहीं होगी। आज IKM स्कूल हमारी टीम का एक मेंबर हो गया है। अब ये इनकी जिम्मेदारी है, इस स्कूल की जिम्मेदारी है कि नू ज़िले को इसके प्रति जागरूक करें, नू ज़िले के लोगों को। कौन सी ये संस्था है जिसके तहत आप काम कर रहे हैं और कब से इस काम में आप जुड़े हुए हैं? ये प्लीज हेल्प फाउंडेशन नई दिल्ली संस्था का नाम है और 2014 से इस काम में काम को कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से आप बच्चों को और लोगों को जागरूक कर रहे हैं जी, क्या लग रहा है आपको, आप अपने में जो है कामयाब हो पाएंगे? अभी तक तो जो आउटपुट आते हैं हमारे पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि हम जागरूक करने मतलब ये नहीं हम कहीं पर मीटिंग नहीं लगाते, बल्कि हम एक्टिविटीज़ के ज़रिए, यानी विज्ञान को सरल रूप से कैसे सीखें वो करके सीखो वाले फार्मूले पर चल रहे हैं। जैसे अभी चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या, उसका मतलब ये है कि जो हमारे बीच में तथाकथित चमत्कारी बाबा टाइप के लोग आ जाते हैं, वो कई प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं, जैसे आग को खा लेना, आग अग्नि स्नान कर लेना, आग पर चलना, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक रीज़न है, इस तरीके से ज़बान में त्रिशूल डालना, पानी छिड़क के आग लगाना, ये सारी चीज़ें जो हम करके दिखाते हैं, चूँकि विजुअल का असर ज़्यादा पड़ता है। ऐसे हम लोगों से अगर जाके कहेंगे कि विज्ञान पढ़ो, विज्ञान सीखो, तो शायद लोग इससे जागरूक ना हों, लेकिन जब चीज़ों को हम खुद इंटरेस्ट बनाएंगे तो यकीनन जागरूक होंगे। मेवात क्षेत्र को एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है जी, तो आप लोगों ने जिस तरह यहाँ प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम के तहत क्या लगा आपको कि क्या मेवात वाकई पिछड़ा है या किस तरह के सुधार है मेवात में? देखिए, मेवात अभी आज हमारे पूर्व मंत्री जी आए थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बताया और क्या नाम उसका, और भी कई लोगों ने मुझे बताया, यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो हैं मेवात में, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग अवेयर नहीं हैं,
लोग जागरूक नहीं हैं। तो अगर इस सिस्टम के हिसाब से या सुविधाओं के हिसाब से देखा जाए तो मेवात डेवलप है, लेकिन अभी लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो उस एंगल से अगर देखा जाए तो मेवात पिछड़ा हुआ है।